तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो आज से करीबन सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं WWE के अपकमिंग पेपर व्यू के लिए, जो कि पेबैक 2020 होने वाला, जहां पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेड मैच कीथ ली का एक काफ़ी अच्छा मैच रैंडी ऑर्टन के खिलाफ भी बुक हो चुका है। लेकिन गाइस इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी मेगा अपडेट लेकर आ गया हूं, जो कि जुड़ी है पेबैक 2020 के विनर्स के बारे में कि कौन कौन से सुपरस्टार जीतेंगे, विंस मैकमैन ने क्या कुछ प्लान करके रखा है पेबैक के शो के लिए, इसको लेकर एक काफ़ी मेगा अपडेट आई है सामने। तो डेफिनेटली अगर आपको पेबैक के विनर्स के बारे में जानना है तो आपको इस वाली वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा इस हफ्ते की NXT की व्यूवरशिप के बारे में, जहां पर केरिन क्रॉस ने अपने डायरेक्टर को किया रिलिंक्विश, तो क्या यहां पर व्यूवरशिप पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ी या फिर घटी। द फीड ने कर दिया टीज नेक्सस की WWE रिटर्न को, जब वेट बैरेट आ चुके हैं NXT के अंदर वापस एज अ कॉमेंटेटर। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं एक और अपडेट के बारे में, जो कि वेट बैरेट के NXT की कैरियर के बारे में जुड़ी, क्या उनकी इन रिंग रिटर्न हो सकती है या फिर नहीं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा इस साल की PWI लिस्ट के बारे में, जो कि रिसेंटली आ चुकी है सामने। अगर आपको नहीं पता PWI लिस्ट क्या होती है तो आपको बता दें, ये वो लिस्ट होती है जो कि सामने आती है एक कंपनी की तरफ से, जिसमें ये बात रिवील होती है कि इस साल पूरी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर कौन से हैं टॉप 25 रेसलर्स। तो यहाँ पे WWE के सुपरस्टार्स कौन सी कह सकते हो नंबर के ऊपर आए हैं और नंबर वन पे कौन से सुपरस्टार है, सारी चीज़ों के बारे में भी करूँगा बात। तो मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट से भरी हुई है, तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई इस बार मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूँ इस हफ्ते के NXT के एपिसोड के साथ, जो कि एक काफ़ी अच्छा शो था, काफी अच्छा मैच भी कंफर्म हो चुका है नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन मैं बात कर लूं क्या रही एक्चुअली में व्यूअरशिप NXT की, जब एक बार फिर से कंपटीशन के लिए उनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि AEW डायनामाइट तो आज हमें दिखाई दिया। लेकिन कैसे मैं बात कर लूं NXT की व्यूअरशिप के बारे में, तो आपको बता दूं पिछले हफ्ते के मुकाबले जो NXT की व्यूअरशिप है वो थोड़ी कम आई है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप आई थी वो आई थी 853,000 व्यूअरशिप, लेकिन इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है NXT की वो आई है 824,000 व्यूअरशिप, यानी कि करीबन 30,000 से 40,000 के बीच का गैप आया है इस हफ्ते और पिछले हफ्ते की व्यूवरशिप के बारे में। अब मेरे हिसाब से जो अगले हफ्ते NXT का शो है वहां पर रेटिंग जरूर से बढ़ सकती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हो अगले हफ्ते 60 मिनट्स आयरन मैन फेटल फोर मैच कंफर्म हो चुका है NXT की चैंपियनशिप के लिए, जहां पर फिन बैलर फेस करते नजर आने वाले हैं जॉनी गार्गानो, टोमासो सैंपा एंड एडम कोल का, और ये मैच एक ब्लॉकबस्टर मैच जरूर से होने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों को नहीं पता बता दो कि जो अगले हफ्ते NXT का शो होगा, वैसे मैं कह सकता हूं हर हफ्ते वो हमें इंडिया के अंदर थर्सडे को दिखाई देता है, लेकिन जो सिर्फ अगले हफ्ते का शो होने वाला वो इंडिया के अंदर हम सभी को वेडनेसडे को दिखाई देगा, यानी कि एक दिन के लिए सिर्फ जो या फिर को एक हफ्ते के लिए जो NXT है वो एक दिन पहले शिफ्ट हो गया, तो आप प्रोबेबली मिस ना कर दो NXT को, इसलिए मैंने ये अपडेट देने के बारे में सोचा। तो अगर आप NXT देखना चाहते हो तो वेडनेसडे को सुबह सुबह आप लोग जरूर से लाइव एकदम टेलीविजन के ऊपर फेटल फोर वे मैच को देख सकते हो। लेकिन गाइस मैं बात कर लूँ हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार NXT के एकदम न्यूएस्ट कॉमेंटेटर वेड बैरेट के बारे में जुड़ी, और क्या जो वेड बैरेट की WWE रिटर्न या फिर जो इंजरी रिटर्न है वो हो सकती या फिर नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने ऐसा NXT कमेंटेटर तो रिटर्न कर लिया, लेकिन क्या कुछ है उनके चांसेस कि वो एक बार फिर से रिंग के अंदर हमें रेसल करते हुए आ सकते हैं नजर। तो गाइस आपको बता दूं जैसे ही इस हफ्ते का NXT का शो खत्म होता है, तुरंत जो WWE कंपनी है वो वेड बैरेट को एलिमिनेशन सेक्शन से निकाल के NXT के करंट रोस्टर के अंदर अपडेट कर देती है। इसके अलावा WWE कंपनी ने वेड बैरेट का जो बायो था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वो भी अपडेट किया, जहां पर उन्होंने ये बात का लिखा है कि भाई जो फॉर्मर 5-टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बैड न्यूज बैरेट है, उनकी WWE कंपनी के अंदर रिटर्न हो चुकी है जब उन्होंने NXT की ब्रांड के अंदर रिटर्न किया एज अ कमेंटेटर। तो देखो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि जो एक बार फिर से वेट बैरेट है वो WWE कंपनी के अंदर हमें रेसल करते हुए आ सकते हैं नजर, जो कि नो डाउट एक काफी अच्छी चीज जरूर से होगी। इसके अलावा आपको बता दूं रिसेंटली द फीन या फिर ब्रे वैट कह लो, उन्होंने भी नेक्सस के रियूनियन को टीज किया जब उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए एक रीट्वीट किया था वेट बैरेट का, जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे कॉमेंट किए मेरे को लेकर और मेरी NXT की रिटर्न को लेकर, मैं काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ, काफी क्रेजी हफ्ता रहा है मेरे लिए। लेकिन इसको लेकर जो द ब्रेव आर्ट है वो रीट्वीट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि आर यू देयर फॉर द नेक्सस रियूनियन थिंग, यानी कि तुम यहाँ पर इसलिए ताकि जो नेक्सस का रियूनियन है वो हो पाए। अब देखो अगर नेक्सस रियूनाइट हो जाए या फिर एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर वापस आ जाए वो तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन सोचो अगर उसके रिटर्न नहीं होते और वेड बैरेट के अकेले रिटर्न हो जाते तो मेरे हिसाब से काफी फ्रेश चीजें हो सकती हैं रॉ एंड स्मैकडाउन के शो के अंदर, जो भी ब्रांड के अंदर वो हमें जाते हुए नजर है। बाकी आपके हिसाब से क्या जो वेड बैरेट एक बार फिर से WWE कंपनी के अंदर इन रिंग रिटर्न कर सकते हैं या फिर
ने, इसको लेकर आपके क्या हैं थॉट्स नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस मैं बात कर लूँ आज की हमारी सेकेंड लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है इस साल की PWI 500 की लिस्ट के बारे में, जो कि रिसेंटली आ चुके हैं सामने। अगर आपको जैसे मैंने कहा नहीं पता है, बता दूँ PWI 500 की जो लिस्ट है उसके अंदर हर साल के टॉप 25 रेसलर्स का नाम सामने आता है। मेरे हिसाब से रेसलर से आप वर्ड समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर सिर्फ WWE कंपनी एंड AEW कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सभी रेसलिंग प्रमोशन के बारे में, जैसे NJPW हो गई, इम्पैक्ट रेसलिंग हो गई, इनके बारे में भी। तो भाई इस साल कौन से टॉप 25 रेसलर सामने आए हैं PWI 500 लिस्ट के अंदर? तो मेरे हिसाब से जो पहला नाम है वो आपको शॉक जरूर से कर देगा, क्योंकि PWI लिस्ट 500 2020 के अंदर जो पहला नाम सामने आया वो आया करंट AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली का। जॉन मॉक्सली मेरे हिसाब से इस साल के वन ऑफ द हॉटेस्ट सुपरस्टार रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने WWE को क्विट किया, AEW कंपनी को ज्वाइन किया, AEW कंपनी को उनके कारण बहुत अच्छा बूस्ट मिला। और इसी के चलते मेरे हिसाब से जो जॉन मॉक्सली का नाम है PWI 500 की लिस्ट के ऊपर एकदम नंबर वन के ऊपर है। लेकिन जो नंबर टू पे नाम है मेरे हिसाब से वो आपको और ज्यादा शॉक कर सकता है, क्योंकि ये जो नाम है ये रॉ स्मैकडाउन से नहीं बल्कि ये NXT की तरफ से द चैंप एडम कोल। अब एडम कोल को मैं चैंप वर्ड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उनकी जो हिस्टोरिक रेन है वो तो हम सभी जानती है, इसी के चलते मेरे हिसाब से उनकी इसी हिस्टोरिक रेन के कारण वो नंबर टू पर आए हैं जो कि PWI 500 की लिस्ट। और एडम कोल के लिए मैं सही में बहुत ज्यादा खुश हूँ और उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में उनका जो कैरियर है वो और भी ज्यादा ब्राइट हो, और अगर वो मेन रोस्टर के अंदर आने का कभी भी सोचें तो उनका जो कैरियर है मेन रोस्टर के अंदर भी जरूर से चमके। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर नाम सामने आया वो आया एक बार फिर से AEW कंपनी की तरफ से, एंड AEW कंपनी सुपरस्टार Y2J क्रिस जेरिको का नाम आया है नंबर थर्ड के ऊपर। नंबर फोर्थ पर नाम आया फाइनली मंडे नाइट रॉ की तरफ से, जो कि है करंट WWE चैंपियन द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर का। नंबर फिफ्थ पर जो नाम आया वो आया इस बार टेत्सुया नाइटो का। नंबर सिक्स पर आया कज़ुका ओकादा का। नंबर सेवन्थ पर कोडी रोड्स। नंबर एट पे सेथ रॉलिंस। नंबर नाइन्थ पे कोफी किंगस्टन। नंबर टेंथ पे एजी स्टाइल्स। नंबर इलेवंथ पे कीथ ली। नंबर ट्वेल्थ पे ब्रॉक लेसनर। नंबर थर्टींथ पे केनी ओमेगा। नंबर फोर्टींथ पे द बिग डॉग रोमन रेंज। नंबर फिफ्टीन पे निक एडलस। नंबर सिक्सटींथ पे ब्रे वायट। नंबर सेवेंटींथ पे कोटी इबाशु। नंबर एटींथ पे रश। नंबर नाइनटींथ पे ब्रॉन स्ट्रोमन। नंबर ट्वेंटी पे जोकोब फैटू। एंड नंबर 21 पे विल ऑस्प्रे। नंबर 22 पे MJF। नंबर 23 पे एलिस्टर ब्लैक जो कि रॉ की तरफ से। नंबर 24 पे केंटो मिहारा। एंड नंबर 25 पे NXT UK के सुपरस्टार यानी कि वोल्टर। तो गाइज ये थे टॉप 25 रेसलर्स। आई नो मैंने बहुत जल्दी सारे नाम ले लिए, बाकी आप जो वीडियो उसको पॉज करके सारे नाम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप नेट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो PWI 500 लिस्ट, तो उसमें भी आपको सारे नाम पता लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो साल रहा वो WWE कंपनी के PWI लिस्ट का वो थोड़ा डिसअपॉइंट रहा, क्योंकि आपको बता दूं पिछले साल मेरे हिसाब से एज स्टार्स नंबर सेकंड या फिर कुछ ऐसे ही पे थे, एंड रॉ एंड स्मैकडाउन की तरफ से मेरे हिसाब से अच्छी न्यूज़ नहीं है इस लिस्ट को देखने के बाद। और पिछले साल आपको बता दूं डैनियल ब्रायन भी टॉप 25 लिस्ट के अंदर शामिल थे, और मेरे हिसाब से डैनियल ब्रायन नंबर 6 या फिर नंबर 7 पे थे। सबसे शॉकिंग नाम मुझे लगा इस वाली लिस्ट के अंदर वो रहा रोमन रेंज का। रोमन रेंज के एक शॉकिंग एंड सरप्राइज रिटर्न, नंबर 14th पे वो बैठे। उन्होंने बहुत कम मैच रेसल किए हैं इस साल, लेकिन स्टिल रोमन रेंज से काफी बड़ा नाम है, जो कि ये बात साबित करती है PWI लिस्ट। बाकी आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सा शॉकिंग नेम था इस पूरी PWI लिस्ट के अंदर? मेरे हिसाब से नंबर 1 एंड नंबर 2 बहुत ज्यादा शॉकिंग थे, जो कि नाम है जॉन मॉक्सली एंड एडम कोल के। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि इस बार पेबैक 2020 के मेगा शो के बारे में जुड़ी है, जिसको हम एक फिल्टर शो भी कह सकते हैं। लेकिन गाइस इस वाले वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक बहुत ही बड़ी अपडेट या फिर वो मेगा अपडेट के बारे में, जो कि रिसेंटली सामने आई है पेबैक 2020 के विनर्स को लेकर। तो गाइस आपको बता दूं आज रिंग साइड न्यूज की तरफ से सुबह एक काफी फ्रेश अपडेट आई है सामने। उन्होंने ये बात कंफर्म की कि जो पेबैक इस संडे को होने वाला है, इसको लेकर काफी ज्यादा लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोमन रेंज यहां पर हमें चैंपियनशिप लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर स्टीव कैरियर जो कि रिंग साइड न्यूज की मेंबर है, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि अभी फिलहाल जब उन्होंने WWE के राइटर्स वगैरह से बात की, यहां पर ये बात पता लगी है कि अभी कोई भी चीज डिसाइड नहीं कि कौन से मैच का जो फिनिश है वो किस तरीके से होने वाला है, यानी कि जितने भी मैच कंफर्म है उनका जो विनर है वो WWE कंपनी की तरफ से अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा यहां पर जो स्टीव कैरियर है, उन्होंने एक और बात रिवील की कि ऐसा भी हो सकता है कि जो विंस मैकमैन है उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया, जो कि एक्चुअली वो किसी को ना बताना चाहते हैं, इसी के चलते जो चीजें सही से रिवील नहीं हो पा रही। वरना अभी फिलहाल स्टीव कैरियर जो कि रिंग साइड न्यूज के मेंबर है, उनकी अकॉर्डिंग जो WWE कंपनी है, उन्होंने कोई भी मैच का फिनिश अभी तक डिसाइड नहीं किया, जो कि मेरे हिसाब से काफी शॉकिंग थिंग है। भाई मंडे को ही तो पेपर व्यू होने वाला और बाहर देश में तो संडे को ही है, तो आप खुद सोचो कि WWE कंपनी के पास कितना कम टाइम बचा। और विंस मैकमैन के बारे में तो आप जानती हो, वो हो सकता है शो के एकदम आखिरी घंटे के अंदर सारे डिसीजन ले पाए कि भाई इस वाले मैच के अंदर इस बंदे को जिताना है। वो तो भाई सुपरस्टार की दाद देनी पड़ेगी, वो इतना अच्छा मैच के अंदर रेसल कर लेते हैं जब आखिरी टाइम पे स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। बाकी गाइस मेरे हिसाब से जो WWE कंपनी में जो सारे फिनिशेज है वो आखिरी टाइम पे ही प्लान करेगी, ताकि जो सारे मैचेस के रिजल्ट वो स्पॉइल ना हो पाए। इसी के चलते आप लोग अभी फिलहाल जो स्पॉइलर है उन पर विश्वास मेरे हिसाब से ना ही करो तो अच्छा
अच्छा होगा अगर कोई आने वाले टाइम में रियल स्पॉयलर सामने आएगा उसकी जो अपडेट आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। बाकी सिर्फ अभी आप लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन से मैच के अंदर हमें कौन सा बंदा जीते हुए नजर आने वाला, क्योंकि विंस मैकमैन आप जानते हो भाई कितने पागल इंसान है। इसके अलावा रोमन रेंस के प्लान्स को लेकर तो अभी फिलहाल यही अपडेट है कि रोमन रेंस न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे WWE के पेबैक शो के अंदर। उसके बाद द फिएंड वर्सेस रोमन रेंस के बीच हमें एक सिंगल फ्यूड दिखाई देने वाला है। आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं WWE के पेबैक शो के लिए जब अभी तक विंस मैकमैन ने कोई भी फिनिशर डिसाइड नहीं किया है, आपको इसको लेकर क्या है थॉट्स नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर आने वाले टाइम में कोई अपडेट आती है कि भाई कौन से मैच को कौन सा फिनिश होने वाला है उसकी अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर जरूर से मिल जाएगी। बाकी आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। PWA 500 लिस्ट के बारे में आपके क्या है थॉट्स, पेबैक के जो फिनिश अभी तक डिसाइड नहीं हुआ उसके बारे में भी आपका क्या सोचना नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जाने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।